आज से हम टेलीप्राइम की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक टैली का पूरा कोर्स कवर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में टेलीप्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नई कंपनी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सीधे गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर टेलीप्राइम। जैसे ही आप टेलीप्राइम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने टेलीप्राइम का ऑफिशियल वेबसाइट शो अप होगा। आप इस पर क्लिक करिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस टेलीप्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम सीधे चले जाते हैं अपने डाउनलोड्स के अंदर। आपको डाउनलोड पर जाकर के सेटअप पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप इस पर क्लिक करिए। आपको सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करना है, यानी कि आपके सिस्टम में कोई टैली का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, आप सीधे एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका टैली का एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे पूरा होने देते हैं। इसके पूरा होने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको स्टार्ट टेलीप्राइम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टैली स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके सामने दो ऑप्शन शो कर रहा है, कॉन्फिगर और एक्सेप्ट। तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन आ रहा है, जिसमें से हमें इसे एजुकेशनली यूज करना है क्योंकि हमने इसको परचेज नहीं किया हुआ है। तो हम इसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आप देखेंगे कंपनी डेटा पाथ, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके इस पाथ के अंदर, यानी कि इस फाइल के अंदर जाकर के डेटा आपका सेव होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सी ड्राइव, यानी सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर होगा, जिसमें पब्लिक नाम का फोल्डर बनेगा, जिसमें टेलीप्राइम नाम का फोल्डर बना हुआ है और उसमें एक डेटा नाम का फोल्डर है। यानी जो भी आप कंपनी में रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी जो भी आप कंपनी में डेटा रिकॉर्ड करेंगे, तो पूरा का पूरा डेटा आपका इस वाले डेटा फोल्डर के अंदर जाकर के सेव होगा। आप चाहें तो यहाँ से टैली का पाथ भी चेंज कर सकते हैं। हमें अभी कुछ नहीं करना, हम सीधे एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका कंपनी नेम, तो आप किस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक के नाम से मैं एक कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर दूसरी जगह पर मेलिंग नेम में भी आपका सेम वही नाम आएगा। इसके बाद एड्रेस, यानी आपका एड्रेस, ये मतलब आपका ये जो कंपनी है वो किस एड्रेस पे है वो फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर देता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपका यहाँ स्टेट शो हो रहा है, तो स्टेट हम ले लेते हैं यहाँ से दिल्ली। दिल्ली स्टेट लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पिन कोड आपका मांग रहा है, तो पिन कोड दे देते हैं हम लोग। इसके बाद टेलीफोन नंबर मांग रहा है, तो आप टेलीफोन नंबर जो भी फिल करना चाहे यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर आप जो भी फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। फैक्स नंबर जो भी है आपके पास कंपनी का, वो फैक्स नंबर शो अप कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी कोई है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। जैसे मैं यहां पर ईमेल आईडी डाल देता हूं। इसके बाद वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिंग फॉर्म, यानी यहाँ पर जो आपका एड्रेस डेट आएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2021 आएगी और नीचे भी आपकी वही सेम डेट होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज कर दिया जाता है। तो हम इसे यही रहने देंगे। एंटर करके आप इसे इंडियन रुपीज़ के अंदर ही रखेंगे, इसे सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके से। आपको इसमें अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर नो करना है और एंटर कर देना है। इसे भी आपको नो कर देना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर भी आपको स्कैप करके नो कर दीजिए और एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। आपकी कंपनी यहाँ देखेंगे क्रिएट हो चुकी है।